दोस्तों, कल के लिए हमारे पास 3 स्टॉक है जिसमें एक अच्छे खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। पहला स्टॉक है हेवल्स इंडिया। तो दोस्तों, इसको हमें बाय करना है 585 के ऊपर और सेल करना है हमें 573 के नीचे। याद रखें, 585 के ऊपर बाय करना है इसको, 573 के नीचे सेल करना है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों हमारे पास रिलायंस। रिलायंस को 1749 इस ये रेंज में हमें बाई करना है इसके ऊपर जैसे ही निकले, और सेल करना है हमें 1708 के नीचे। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हमारे पास टाटा स्टील। इसको बाय करना है 328 के ऊपर और सेल करना है 318 के नीचे। और इनमें फेक ब्रेकआउट का ध्यान रखना, अगर किसी स्टॉक में फेक ब्रेकआउट हो तो आप बिल्कुल भी ट्रेड ना लें। फेक ब्रेकआउट का पता कैसे लगाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी तीन वीडियो डाल रखे हैं। आप जैसे ही चैनल के होम पेज पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एक तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए दो पार्ट की सीरीज डाली थी, एक तो ये वीडियो देख लेना, और दूसरा आप देख लेना है वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम का पावर। इसको जैसे आप इन तीन वीडियो को जैसे आप देखोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा किस तरीके से फेक ब्रेकआउट के बारे में हम पता लगा सकते हैं, और आसानी से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ट्रेड लेना है। ये तीनों स्टॉक में से आज नहीं तो कल पक्का किसी न किसी स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ज़रूर देंगे, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाना। ये दोस्तों 3 स्टॉक थे कल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा और आप पहली बार ये वीडियो इस चैनल पे आए हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।